औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अली, व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ, नई खबर और उसके तज्जिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं ख़बर लाया हूँ, कोरोना से सताए हुए पाकिस्तान के कारोबारी और ख़ास तौर पर जो मिडल क्लास कारोबारी हैं, वो इंतहाई कसमपुरसी में जा रहे हैं। उस जैसे रेस्टोरेंट हैं, गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस के लोग हैं, दुकानदारी करने वाले लोग हैं, किसी भी किस्म की ये जो छोटे कारोबारी हैं वो बहुत मुतासिर हैं। और इस वक्त तो स्पेशली रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, और शादियाँ उन्होंने कहा है खुले माहौल में करें, जबकि इसका हल किसी का कारोबार या किसी की दुकान बंद करना नहीं है, बल्कि SOPs पर अमल दरामद कराना है। और आवाम जो है उनका भी ये हक बनता है कि वो SOPs पर अमल करें। इसमें आज जो है फैज़ाबाद चौक, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का दरमियानी चौक है, जो दोनों शहरों को आपस में जोड़ता है, रेस्टोरान के मालकान और वर्कर्स ने उसको ब्लॉक किया है, और ब्लॉक करने के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और ये वर्कर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, हमारा माशी कत्ल ना किया जाए, हमसे हमारी रोटी ना छीनी जाए। इसके अंदर अजीज़ दोस्तों, मैं कुछ पीछे पिक्चर्स भी चला रहा हूँ, जो वो इस जिस किस्म के वहाँ पर नारे लग रहे हैं वो भी मैं आपको वीडियोस में सुनाता हूँ। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक कोहराम सा मचा हुआ है कि जैसे एक गरीब जो है वही शायद कोरोना का ज़िम्मेदार है, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियाँ, फार्मा इंडस्ट्री की कंपनियाँ हैं, जो आम घर में मौजूद 2-3 इन्ग्रीडियंट्स से चंद रुपयों में वो सैनिटाइज़र तैयार कर सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई महंगी कीमतों में सैनिटाइज़र बेचकर दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता है। अगर इस मुल्क में किसी किस्म का कोई बुहरान आ जाता है, अगर कोरोना का मामला आ जाता है, चाहे कोई हड़ताल हो जाती है, तो उसमें अमीर लोगों की चांदी हो जाती है और गरीब लोगों के कारोबार और उनका पहिया जाम हो जाता है, उनकी ज़िंदगी रुक कर रह जाती है। हुकूमत जो है उसको फौरी तौर पे ये चाहिए कि उसका काम अवाम के नाक़े बंद नहीं करना है, अवाम के रिस्क पे नाके नहीं लगाना है, बल्कि कोरोना की SOPs पर अमल दरामद कराना है। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो में देखें कि ये रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स हैं और मालकान ये क्या नारे लगा रहे हैं और किस किस्म के उनके मुतालबात हैं। डाइनिंग भी ओपन एयर, तो क्या हम SOPs के साथ डाइनिंग नहीं दे सकते हैं? तमाम लोग रोड में आ गए, रोड को ब्लॉक करने का वक्त आ चुका है। तमाम लोग रोड में आ गए, तमाम लोग इधर रोड में आ गए, सारे नीचे आ गए जो फुटपाथ पे खड़े और साइडों पे खड़े हैं, अपने हक के लिए, हमसे मुजाकरात के लिए। रोटी मजदूर से, रोटी मजदूर से, रोटी मजदूर से, रोटी मजदूर से, रोटी जन्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते। तो अजीज़ दोस्तों, आपने ये वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो गरीब वर्कर्स हैं और रेस्टोरेंट मालकान हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारे खुदारा हमसे रोटी ना छीनी जाए, हमारा रिस्क जो है उसके अंदर हलाल रिस्क कमाने में रुकावटें ना डाली जाएं, बल्कि आप SOPs को फॉलो कराएं। और इनमें आवाम को भी इसमें चाहिए कि तमाम तर काम जो हैं वो हुकूमत के ज़िम्मे नहीं होते, ये काम जो है आवाम ने ख़ुद भी करने होते हैं। इसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि
किस हद तक गरीब जो है वो पिस चुका है, उसका कारोबार बंद हो चुका है, मालकान जो हैं वो उनको नौकरियों से बेदखल कर रहे हैं, ये बहाना बनाकर के हमारे कोरोना की वजह से हालात नहीं हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, लोग बेरोज़गार हैं जो नौकरियों के मुतलाशी हैं, कंपनियां नई हायरिंग नहीं कर रही, कोरोना की वजह से हर चीज़ जो है वो रुक चुकी है और इस वक्त COVID-19 जो है हमारे लिए एक अजाब बनकर और आवाम के ऊपर जो है वो एक मसल्लत कर दिया गया है और हकूमती जो मामलात हैं वो अभी तक जो है वो सीधे रस्ते पर चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी है, परेशानियों में दबी है, लेकिन हकूमत जो है आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ निकालने को तैयार नहीं है, ना महंगाई कम करने को तैयार है। इंक्वायरियाँ जो हैं अपने वज़रा पर भी खोल दी गई हैं और यहाँ पर और एक मीडिया के अंदर एक अजीब तूफान बदतमीज़ी है कि हम अपने वज़रा को भी नहीं छोड़ते और हम दुश्मन को भी नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों को भी एहतसाब के लिए लाते हैं, लेकिन खुदारा आप अपने दोस्तों का एहतसाब भी ज़रूर करें, अपोजिशन के जराइम पेशा लीडर्स का भी ज़रूर एहतसाब करें, लेकिन अवाम दुश्मनी ना करें, अवाम के लिए उनको सांस लेने के लिए गुंजाइश पैदा करें कि अवाम सांस ले। इस वक्त जो है घबराहट का आलम जो है वो इस हद तक हो चुका है कि डेली न्यूज़ आती है, कोई ना कोई ख़बर आती है कि किसी ने बेरोज़गारी से तंग आकर ख़ुद को आग लगा ली, किसी ने अपने बच्चों और बीवी के साथ इज्तमाई ख़ुदकुशी कर ली। तो इसके अंदर अजीज़ दोस्तों हमारी ये एक पैगाम भरी वीडियो है जो हम हुकामे बाला तक पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा आवाम का ख्याल करें, गरीब लोगों का ख्याल करें, इसमें इस पैगाम को पहुँचाने में हमारी मदद करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपने जो कमेंट आप दें तहजीब के दायरे में रहते हुए अगर आप हमसे इख्तलाफ भी करते हैं तो हमें मशवरा दें कि हमें किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए, हमारे कॉन्टेंट में कमज़ोरी हो सकती है, हमारी ये गुफ्तगू में कमज़ोरी हो सकती है, अल्फाज के चुनाव के अंदर हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारा पैगाम जो है वो यही है कि इस वक्त आवाम पिसती चली जा रही है और हुकूमत को आवाम की तरफ भी अब तवज्जो देनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।